अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी, मैंने कहा चलें जी आपसे अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करती हूँ। खाना वगैरह तो दोपहर में खा लिया था मैंने, आटा गूंदा, अब दिखाती हूँ आपको। मैंने किचन की लाइट चेंज करनी है, वो भी मैं करती हूँ। जी जी, मैंने आटा गूंद के रख लिया है शाम के लिए, और मैंने करनी है जी लाइट चेंज। मैं लेके आती हूँ रूम से लाइट, देखती हूँ कि हस्बैंड घर पे ही हैं, वो चेंज करते हैं या मैं चेंज करती हूँ। मैं शेयर करती हूँ आपसे जी। मैंने लाइट काफ़ी दिन से मंगवा के रखी हुई थी एलईडी लाइट, तो मैं इसे लेके जाती हूँ किचन में। पहले मैं इसे ऑफ करती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए थोड़े से। गाइज, मैंने किचन की लाइट चेंज की थी, वो फिर येलो आ गई है। हस्बैंड कहते हैं कि मैं ही समझदार हूँ, वो महीने बाद चेंज हुई या फिर वो येलो आ गई है। देखें ज़रा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैं इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ी थी, ऊपर चढ़ के मैंने लाइट लगाई है। पहली लाइट ये देखें मैंने अभी अभी उतारी है, इसका भी कलर येलो है और इसका भी कलर येलो है। देखिए मैं क्या करूं, पूरे एक महीने बाद मैंने चेंज किया लेकिन वो फिर येलो ही आ गई है। अब मेरे व्लॉग्स अच्छे कैसे बनेंगे? तो ये मैंने दूध से बलाई उतार ली है। इधर दूध कल का यूज़ कर रही थी, कम रह गया था, जो इधर मैंने इधर शिफ्ट कर लिया। चिकन मैंने फ्रिज से निकाल लिया। आज मेरा इरादा है थोड़ा सा पास्ता बनाऊँगी अपने लिए। अभी मुझे याद आया कि चिकन तो फ्रीज़ हुआ पड़ा है, अभी अभी मैंने इसे निकाल के पंखे के नीचे रख दिया। तो ये बलाई मैं रखूँगी फ्रिज में। इससे मैं बनाती हूँ देसी घी, वो भी मैं आपसे किस दिन शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी। ये बोतल में बर्फ़ जम गई है, इसे मैं निकाल दूँगी बाहर। इसे किचन में रखती हूँ जाके। और सुनाए व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? आपके सिटी का वेदर अब कैसा है? मौसम काफ़ी चेंज होने लग गया है जिसकी वजह से हल्के हल्के फीवर्स और नज़ले ज़ुकाम वगैरह शुरू हो गए हैं। अगर आपको मेरे चैनल्स की ये वीडियो अच्छी लगनी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब मेरे व्लॉग ज़रा मिसिंग होते हैं, 3-4 दिनों के बाद एक व्लॉग आ रहा है, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू, कोशिश है मेरी कि मैं रोज़ाना एक व्लॉग अपना ऐड किया करूं। काफ़ी मेहमानों का आना जाना था घर में, अब थोड़ा कम हो गया, तो अब मैं आज थोड़ी फ्री थी तो मैंने कहा चले मैं जो जो कर रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ। मैं एग बनाने लगी थी, चाय पी ली थी, चाय 2 बार पी ली है। तो अब मगरिब का टाइम हो रहा है, अभी गैस नहीं आई, गैस आएगी 6:30 बजे। तो मैंने कहा चलें एग बना लेती हूँ या बॉयल करती हूँ। रात को बड़े भाई की तरफ था मिलाद शरीफ, उन्होंने काफ़ी बड़ा मिलाद करवाया था और लंगर भी तकसीम किया था, तो हम काफ़ी देर से आए थे उनके घर से, तकरीबन सुबह के 3-4 बजे आए थे। आज सुबह देर से उठे हैं तो काम वगैरह किए हैं, तो अब थोड़ा टाइम था, मैंने कहा चैलेंज अपने व्यूवर्स से थोड़ी गपशप भी करते हैं। चिकन मैं लगा के आई हूँ ओवन में, चिकन काफ़ी फ्रीज था, तो मैंने कहा चले मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे थोड़ा सा ही चाहिए। मैंने बस एक प्लेट पास्ता तैयार करना है अपने लिए, मेरे लिए काफ़ी है, थोड़ा बहुत खुल जाएगा। ये देखें जी, मैं बना रही हूँ अपने पास्ते का सामान रेडी कर रही हूँ। तो ये मैं गाइस तैयार कर रही हूँ वाइट सॉस।
चिकन भी मेरा रेडी है, इधर मेरी ये पास्ता भी रेडी है। चलें जी, अब मैं मेयोनीज लेके आती हूँ, फिर आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने रेडी कर लिया, अब मैं इसे रखूँगी ओवन में। तो ये देखें जी, ये है मेरे पास्ते की फाइनल लुक। बताइएगा आपको कैसी लगी, बहुत ही मज़े का लग रहा है। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, अभी मैं किचन में जा रही हूँ, दोबारा से मैं रोटियाँ बनाऊँगी और सालन वगैरह गर्म करके लाऊंगी, फिर इसे टेस्ट करूंगी कि यह कैसा बना। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूला करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।